बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि आगामी 5 दिनों तक बैंक अब बंद रहेंगे, जिससे लोगों को लेन देन के लिए मुश्किलें हो रही हैं। जानकारी के अनुसार बैंक कर्मियों की लंबित मांगों को पूरा न किए जाने पर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की है और कामकाज ठप रखा। इस दौरान हमीरपुर जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंक पूर्णतः बंद रहे, जिस कारण लोगों को भी कामकाज निपटाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ा। हमीरपुर पीएनबी एसबीआई बैंक में कोई भी लेन देन नहीं हो सका है। बता दें कि बैंक कर्मियों की प्रमुख मांगों में नवंबर 2017 से उनकी सैलरी को रिवाइज करना, सैलरी 5 सालों बाद रिवाइज होनी है, सरकार सिर्फ 6 से 7% ही रिवाइज बढ़ोतरी कर रही है, जबकि अधिकारी कम से कम 15% बढ़ोतरी चाहते हैं, जो सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन और मर्ज कर रही है उसे रोका जाए। एनपीए के बढ़ने के लिए कर्मचारियों को दोषी ठहराना गलत है। जिन बड़े लोगों ने एनपीए के किसानों का भुगतान नहीं किया है उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जाए। अधिकारी वर्ग को वैल्यूएबल वेतन की प्रक्रिया मंजूर नहीं है। अलग अलग लेवल पर अधिकारियों की सैलरी रिवाइज न की जाए, इसे स्केल 1 से 7 रुपए तक किया जाए। कुछ बैंक इसे अलग अलग रिवाइज करना चाहते हैं, जो गलत है। 26 दिसंबर को यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले दोबारा से हड़ताल की जाएगी।